लोग डिलीवर नहीं कर रहे, मैं डिलीवर कर रहा हूँ ऑन ग्राउंड ना। अच्छा, जो मुझे फखर है काम पे अपने वो ये कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ। सही, मकान देखें भाई इसका तो आपने क्या कलर कॉम्बिनेशन दिया है, एकदम वीआईपी यार। कि एक लो कॉस्ट के अंदर एक बेहतरीन मकान ऑन ग्राउंड हो ना, ठीक है। चीज का ख्याल रखा है, कलर से लेकर टाइल्स तक, फॉल सीलिंग के डिजाइन तक, ये कैसे इसको बेहतर से बेहतर किया जाए, इसके काम से सही। स्कूल है TCF स्कूल जो है ना, बहुत मशहूर स्कूल है कराची का, बिल्कुल ही बैक साइड एनजीओ चलाती है, द सिटीजन फाउंडेशन। सही। और मैंने इस घर में ये ख्याल रखा है कोई बिपरदगी ना हो, तो छत की आपने दीवारें देखे मैंने ऊंची रखी है ना जी, 4.5 फीट 4.5 फीट की मैंने छत की रखी दीवारें। ठीक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है आपको, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर जो है मैं टेसर टाउन सेक्टर 36 में विजिट किया है, एसएन भाई के ऑफिस में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एसएन भाई का ऑफिस है, जिनका स्लोगन है कि भाई हम ख्वाब नहीं हकीकत बेचते हैं। तो भाई आपको विजिट करवाने के लिए लेके आए गए, एक बहुत ही खूबसूरत घर है जो कि आपको मिलेगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है। तो वीडियो में आपने एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। और यहाँ पर पहुँचने का एड्रेस भाई आपको गाइड कर दूँ कि भाई अगर आप यहाँ से आ रहे हैं इस रोड से आ रहे हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे बहुत मशहूर है 36 की टैंकी, यहाँ से आप देखें यहाँ बस भी आ रही है, और 36 की टैंकी से आप यहाँ पे वापस मुड़ेंगे तो ये ऑफिस है। तो जब अगर आप कोई भी बंदा यहाँ पे विजिट करना चाहे तो वो यहाँ से इजीली जो है मेन रोड पे ही जो ऑफिस है उसको विजिट कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको घर दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है एहसन भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का रिजवान भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से? बड़ा गरम है एहसन भाई, आप माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म का मकान लेके आते हैं और दूसरे दिन ही वो बिक भी जाता है। तो भाई आज क्या लेके आए हमारे व्यूअर्स के लिए, और बजट कैसा है इसका, मकान कैसा है ये दिखाए हमारे को। भाई मेरे पास जो मकान होते हैं आपने देखे जी, कि जो भी काम चल रहा है जी वो आपके जो क्लाइंट्स आते हैं उन्हीं के थ्रू ही चलता है काम जो है ना। सही। और कोशिश करता हूँ मैं कि लो कॉस्ट में एक बेहतर प्रोडक्ट दे सकूँ लोगों को ना। सही। और जैसे ये भी मकान आप देख रहे हैं जी, ये प्री कास्ट पे बना हुआ मकान है। अच्छा। मगर मैंने इसका लुक ऐसे दिया है, लगता है कि जैसे आरसीसी मकान है। अच्छा। और कम प्राइस के अंदर, लो रेंज के अंदर, मुझे ये शोर शॉर्ट है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे अच्छा मकान आपको शहर कराची में नहीं मिलेगा ना। अच्छा, इससे सस्ता और इससे अच्छा कराची में मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं ना, गारंटी है इस बात की ना। अच्छा। आज पैसे दें कल मकान का कब्जा लें, आज ही कब्जा लें मकान का जो है ना, आज पैसे दें आज ही कब्जा लें। अच्छा चले ठीक है। तो फिर भाई कैसा मकान है, आइए दिखाता हूँ। आइए, मोस्ट वेलकम। ये जो है हमारा टीवी लॉन्च कम ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं। सही। ये बनाया हमने, आप देखें माशाल्लाह से पूरे घर में फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, पूरे घर में टाइल्स का काम हुआ हुआ है। सही। उसके साथ इस तरफ आप देखें ये ओपन किचन दिया है हमने। अच्छा, ये किचन आ गया जी। हाँ, ओपन किचन मौजूद है, मार्बल टॉप का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर जो है। ठीक है जनाब। सही। और ये टैंक, ये वाटर टैंक मौजूद है इसके, आरसीसी टैंक मौजूद है इसमें जो है ना। अच्छा ठीक है जनाब, ये आरसीसी है और आरसीसी जीना भी है, भी बाद में चलते हैं ऊपर जो है। ठीक है, कराता हूं आपको। सही। उसके बाद ये हमारा पहला बेडरूम आया। सही। जी 12x12 का साइज है इसका। अच्छा, कोशिश की है कि कुशादा बेडरूम बन सके। सही। कितना टोटल एरिया है मकान? ये पूरा 80 गज का मकान है। 80 गज का जी। हाँ, प्री कास्ट से बना हुआ मकान ये। ठीक है, हवादार मकान है। आइए बैक साइड पे जो है मैं वॉशरूम एक इधर दिया है हमने। सही। दो वॉशरूम रखे हैं, एक वॉशरूम इधर है और उसके ऊपर दो छतरी दी हुई है। ठीक है, देख रहे लड्डे डले हुए जी, तो ये निशानी है कि ये प्रीकास्ट का मकान है ना। सही, सही। सरिया भी हमने डाल रखा है ऊपर, देखिए हम सरिया भी पूरे मकान में डरा हुआ है ताकि मजबूती बेहतरीन रहे ना। ठीक है, और एक वॉशरूम ये हो गया जी, टोटल दो वॉशरूम्स हैं। ठीक है, आइए उसके बाद दिखाता हूँ एक कमरा और है और दूसरा रूम यहाँ से जी। ये हमारा दूसरा बेडरूम है 12x12 साइज का। सही। और खूबसूरत फॉल सीलिंग करी हुई है पूरे घर में, टाइल मार्बल का काम हुआ हुआ है। सही। और ये टाइल वगैरह पूरे घर में ही है? पूरे घर में मौजूद है ना। सही।
ठीक हो गया। आइए ऊपर की तरफ लेके चलते हैं हमको, चलें। आइए जीना जो बनाया है हमने, ये मार्बल टॉप लगा हुआ है, इस पे आरसीसी जीना है। ये आपकी देखें कितनी अच्छी कुशादा छत है आपकी जो है ना, सही। और कैमरा आपको दिखा सके तो पूरा ये आबाद इलाका है, चारों तरफ आबादी, भरपूर आबादी मौजूद है, सही। ये स्कूल है TCF स्कूल जो है ना, बहुत अच्छा, मशहूर स्कूल है कराची का, बिल्कुल एनजीओ चलाती है द सिटीजन फाउंडेशन, सही। और मैंने इस घर में ये ख्याल रखा है कोई बिपर्दगी ना हो, तो छत की आपने दीवारें देखे ना, मैंने ऊंची रखी है ना जी, 4.5 फीट पौने 5 फीट की मैंने छत की रखी दीवारें, ठीक है। ऊपर हमने एक बनाया है वॉशरूम, सही, और उसके साथ ऊपर पानी की टंकी है। अच्छा, ये देखिए अभी बच्चे जो है, भैया स्कूल है TCF स्कूल, बच्चे स्कूल वगैरह भी है यहाँ पे। और यहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल है? पानी यहाँ पे आता है महीने में 2 से 3 दफा पानी आता है, मीठा पानी मौजूद है। अच्छा, सेवरेज की लाइन मौजूद है, गैस भी एरिया में मौजूद है, मगर न्यू मकान जितने बन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में बंद कनेक्शंस 2 साल से जो है ना। अच्छा जी, ठीक हो गया। स्कूल यहाँ पे तो बिल्कुल ही आपने देख लिया वीडियो में भी, बिल्कुल ही बैक साइड स्कूल भी करीब है, मस्जिद भी करीब है, सामने यहाँ हॉस्पिटल भी है, ये बोर्ड लगा हुआ है हॉस्पिटल का यहाँ पर जो है, ठीक है। तो हर चीज अवेलेबल है और इस प्राइस में कुछ मिलता नहीं है शहर में, ठीक है। ये इलाका कौन सा है? तहसील टाउन सेक्टर 36D है। अच्छा, LERP का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, लियारी एक्सप्रेसवे रिसेटलमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ट्रांसफर फाइल होती है इसकी जो है कि, अच्छा, जितने भी होते हैं चाहे वो 25 लाख वाला मकान हो चाहे 2.5 करोड़ वाला मकान हो, सही है, सब चीजों के सबकी फाइल से की होती है, ट्रांसफर, ठीक हो गया। अच्छा SNB की, अब फिर बताएंगे कितने का ये घर? ये मिलेगा फाइनल 25 लाख रुपए का मकान जो है, फाइनल 25 लाख रुपए, बिल्कुल फाइनल टू फाइनल, बिल्कुल फाइनल है, इसमें कोई मजीद गुंजाइश नहीं हो पाएगी। अच्छा, और सब चीजें आपके सामने, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ पहुंची हुई है, प्लॉट की वैल्यू कहाँ पहुंची हुई है, सही। और ये इंस्टॉलमेंट पे भी है या टोटल कैश? नहीं, टोटल कैश पे, इंस्टॉलमेंट पे कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये वाला मकान जो है टोटल कैश के ऊपर आप देख सकते हैं कि भाई आबादी भी आप पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ आबाद इलाका है भाई, मुकम्मल चारों तरफ आबादी है। पानी भाई कह रहे हैं कि 2 से 3 दफा आता है महीने में, जी हाँ, पानी की मतलब टैंकर जरूरत नहीं पड़ती, टैंकर की जरूरत नहीं पड़ती, जी हाँ, हो जाता है काम जो है। रिजवान भाई, ये ख्वाब था ना मेरा, अच्छा, 2 साल पहले ये ख्वाब शुरू हुआ था, ठीक है, और आज माशाल्लाह से ये सारे मकान बन गए, कुछ बन रहे हैं और सब बिक गए जो है ना। अच्छा, सबके सब सोल्ड आउट हो गए, इन सब में फैमिलीज आ चुकी हैं। अच्छा, ये जो तीनों मकान ये लाइन से हैं जी, ये सारे आपने बनाए हैं? जी हाँ, ये सारे के सारे मैंने बनाए हैं मकान जो है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले जब आप आए थे 2.5 महीने पहले, हाँ, तो ये प्लॉट हुआ करते थे शायद, हाँ, आपको याद हो गया ऐसा ही है। अब इस पे भी काम शुरू हो गया, अभी लेबर गई हुई है इस वक्त, ठीक है, पे। तो ये वाले पे भी काम शुरू हो गया, ये वाला फिनिशिंग पे चल रहा है, ये वाला लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था तो इसकी छत डल रही थी, नहीं, नहीं, वो ये नहीं था, वो दूसरा वाला था। अच्छा, वो वाला था, जी हाँ जी हाँ, वो वाला था। अच्छा, वो तो रेडी हो गया भाई, है ना। आइए अंदर से भाई, मकान दिखाइए भाई, आप इतनी फास्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हसन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने के टाइम के अंदर ये मकान रेडी हो गया जो है ना, क्योंकि हम देखते हैं बाहर कहीं जाते हैं तो वहाँ तो भाई लोग डिलीवर नहीं कर रहे, मैं डिलीवर कर रहा हूँ ऑन ग्राउंड ना। अच्छा, जो मुझे फखर है काम पे अपने वो ये कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ, सही। मकान देखें भाई इसका, तो आपने क्या कलर कॉम्बिनेशन दिया है, एकदम VIP यार, कि एक लो कॉस्ट के अंदर एक बेहतरीन मकान ऑन ग्राउंड हो ना, ठीक है। और ये मकान भी किया इंशाल्लाह विद इन 10 डेज जो है पार्टी आएगी। अच्छा, देखिए इतना जो है, ठीक है, दिखाऊं आपको मैं बेहतरीन, ऐसे स्ट्रेलिंग मौजूद है, सही, मार्बल टॉप का, ये पूरा मकान RCC मकान है। अच्छा, ये पूरा RCC है, ये प्रीकास्ट नहीं है, RCC मकान है, ठीक है। ये आपके ऐसे स्ट्रेलिंग का जीना जा रहा है, अभी सब्जियों का काम बाकी है यहाँ का, ठीक है। एक वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम ये वाला है, सही, मेन एंट्रेंस पे, ठीक है, ठीक है जी। आइए इस तरफ चलते हैं, ये ड्राइंग रूम है हमारा, सही। आइए, ये हमारा ओपन किचन है, सही,
और उसके साथ ये टीवी बहुत फंक्शनल है, हर चीज का ख्याल रखता है, कलर से लेकर टाइल्स तक, फॉल सीलिंग के डिजाइन तक, ये कैसे इसको बेहतर से बेहतर किया जाए इसके काम से। सही, ये आइए पहला रेडो लगा रहे हैं, साइज क्या है इसका, है 11 बाय 11 साइज, 11 बाय 10 सही है। अटैच वॉशरूम में साथ में, ये अटैच वॉशरूम सही, लाइट की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा दूसरा वॉशरूम है, और 10 बाय 11 का साइज, एक में कबोर्ड दिया है और एक में डब्ल्यूसी दिया है। तो ये वॉशिंग एरिया हो गया। जी जी, ये वॉशिंग एरिया है। हाँ आइए, दोनों तरफ दो छतरी दी है हमने। सही, तो आइए ऊपर से दिखाता हूँ। ठीक है, पूरे घर में ऐसे शेड का काम हुआ जिन्हें के जो। सही, पूरा ये आबाद इलाका है। सही, इसके ऊपर हमने पानी की टंकी दी हुई है। सही, ऊपर एक वॉशरूम दिया हुआ है, ऊपर भी एक वॉशरूम है, पानी की टंकी है, ये सब दिख गए मकान जो है। ठीक है, दिखाने का मकसद जैसा ये जो आरसीसी मकान है, अगर कोई मजीद हमसे, मेरे पास प्लॉट्स मौजूद हैं, हाँ, कोई इंटरेस्टेड हो बनाने के लिए, हाँ, तो 32 लाख की प्राइस है। अच्छा, तो 3 महीने का टाइम देंगे हम बनाने का। सही है, 10 लाख एडवांस दें, फिर 10 लाख दें, 12 लाख रुपये जो है परसेंट के टाइम पे दें, 32 लाख पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया ना कि ये मतलब इसका पेमेंट प्लान तो फिर वो हो गया कि 3 किस्तों में दे सकते हैं। 3 किस्तों दे सकते हैं आप जो है ना। ऐसा ही है, आप प्लॉट पसंद करें। सही है, उस पर हम काम शुरू कर देंगे, 10 लाख एडवांस देंगे आप। ठीक है, काम सामने नजर आ रहा हो, काम कैसा हो रहा है। सबसे बड़ी आसानी क्या होगी कि अपनी चॉइस से आप जो रेंज में होते हैं हमारे पास, जो टाइल्स मार्बल्स हैं जी, वो लगा सकते हैं, फॉल सीलिंग की डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं जी। एडवांस बुकिंग नक्शा भी अगर आप कहेंगे चेंज करने, नक्शा भी हम चेंज कर देंगे। मतलब एडवांस बुकिंग का ये फायदा है ना कि जैसा मर्जी आप उसका डिजाइन में कस्टमाइज कर सकते हैं। अपने कलर कॉम्बिनेशन, किचन का, टाइल्स का, ये सारी चीजें जो है। 11 मकान जो जिस पर भी आपने विजिट किया जी, तो हमने ये स्टार्ट किया जब बिक गया, तो क्लाइंट ने अपने हिसाब से सब कुछ कराया ना, सही, अपनी पसंद के हिसाब से सारा काम कराया। ठीक है भाई, ये मैं आपको बता दूं कि ये मकान लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था तो इसकी छत डल रही थी, ऐसे ही हसन भाई। अच्छा, मैं समझे शायद वो ये 7 वाला मकान है, अभी ये, लेकिन ये तो इन्होंने भाई 2 महीने में पूरा रेडी करके रख दिया बिल्कुल। अब इसकी फिनिशिंग चल रही है। हाँ, एक महीने जी फिनिश हो जाएगा जो है ना। अच्छा, बेहतरीन हो गया हसन भाई, बहुत ज़बरदस्त। चले ठीक है, हसन भाई का नंबर मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, कोई भी भाई जो है यहाँ पर इंटरेस्टेड हो मकान लेने में, मकान बुकिंग करवाने में, तो वो इनसे रब्ता कर सकता है। चले ठीक है हसन भाई, बहुत शुक्रिया बात करने का, थैंक यू वेरी मच।